डिस्कस ब्रीडिंग टैंक कैसे सेटअप करें, उसमें क्या क्या जाता है, उसमें क्या क्या चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, वो सब आपको मालूम करना है तो जरूर ये वीडियो देखिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मेरा चैनल का नाम है प्रेपर एक्वा। ये तो जैसे आपने टाइटल में देखा होगा, ये वीडियो है हम एक डिस्कस फिश का ब्रीडिंग टैंक कैसे सेटअप करें। तो इसमें हमने सब चीज एक एक छोटे छोटे चीज जो हमें देखना चाहिए ब्रीडिंग के टाइम पे, उसके बारे में हमने बात किया है और आइडियली एक टैंक का सेटअप कैसे होना चाहिए उसके बारे में हमने ये वीडियो में दिखाया है। प्रीवियसली हमने बहुत दिन पहले मैंने 3-4 वीडियोज ऑलरेडी बनाए हैं डिस्कस ब्रीडिंग के टाइम पे। तो पहले मैंने एक बड़ा टैंक को 3 पार्टीशन बना के, यू नो, 2 पार्टीशन डाल के किया था और एक और मैंने छोटा सा टैंक बनाया था। लेकिन आइडियली जो साइज है वो है ये टैंक। सो यू नो, एक 18 इंच का क्यूब टैंक भी बेस्ट है एक अच्छा एडल्ट डिस्कस ब्रीडिंग करने के लिए। एक और सबसे जरूरी चीज और इम्पोर्टेंट चीज इज दैट वाटर, जो पानी का पैरामीटर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हार्डनेस जो है हमें थोड़ा कम रखना चाहिए, वो मैंने ये वीडियो में डिटेल में नहीं गया था मैंने, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ। जो हार्डनेस है तो वो 80 ppm से नीचे, जो TDS जो टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स जो बोलते हैं, उसको 80 ppm से नीचे रखने से आपको अच्छा हैच रेट मिलेगा, बिकॉज दैट इज वो उसको सपोर्ट करता है। डिस्कस हायर TDS में भी ब्रीड करते हैं, लेकिन आइडियल सिचुएशन में बोल रहा हूँ 80 ppm इज गुड। ठीक है, तो ये टैंक में जो भी हमने चीजें यूज किए हैं, फिल्टर जैसे पंप, लाइट जो भी है, वो सब मैंने जनरली मैं अमेजोन से ही लेता हूँ। तो उसका जो परचेस लिंक्स और बहुत सारी डिटेल्स ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो डेफिनेटली उसको देखिए। अगर कुछ डाउट्स है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं बहुत हैप्पी हूँ सब कमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए। सो डेफिनेटली प्लीज टू ड्रॉप इन योर कमेंट्स। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट के ऊपर ही हमारा चैनल बिल्ड होता है। और डेफिनेटली बेल आइकॉन को दबाइए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी हम नए नए वीडियो डालते हैं। और हम 5 लैंग्वेजेस में वीडियो बनाते हैं, एक्वेरियम बेस्ड और एक्वा बेस्ड सब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहला चीज, हमको एक टैंक चाहिए और आइडियल साइज जो एक डिस्कस ब्रीडिंग के लिए हमको जो चाहिए है वो है 1.5 feet by 1.5 feet और 1.5 feet, तो 18 inches, 18 inch का एक क्यूब टैंक बेस्ट है हमारे डिस्कस ब्रीडिंग के लिए। लेकिन ये टैंक थोड़ा बड़ा है, ये 22 inches है अभी। सो नेक्स्ट थिंग, हमको जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये स्टिकर जो आप देख रहे हैं, जो पूरा टैंक जो है पूरी सफ़ेद स्टिकर डाला है हमने। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि थर्मोकोल रखते हैं पीछे और साइड में, लेकिन उससे क्या होता है, वो ग्लेयर एक आईना जैसा एक इफेक्ट क्रिएट होता है, उसकी वजह से वो मछली को स्ट्रेस होता है। तो हमको हमेशा वाइट स्टिकर डालना चाहिए। ये स्टिकर कैसे डालने का, इसके ऊपर मैंने सेपरेट ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो उसका थंबनेल आएगा अभी स्क्रीन पे और इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगला चीज़, हम इसको टैंक को क्लीन करेंगे और नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो अभी आप नया टैंक अगर बना रहे हैं तो ये टैंक का डायमेंशन तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। तो नया टैंक डालने के टाइम अगर बना रहे हो तो उसको जो भी आपका वाटर लेवल आपको चाहिए उतना तक आप फिल कीजिए उसको, और उसमें पोटेशियम पर मैंगनेट डालिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी बोला है कि पोटेशियम पर मैंगनेट क्या करता है, जो भी अगर कुछ इन्फेक्शन है, कुछ भी पैरासाइट कुछ भी है, वो पूरा किल कर देता है। और उसके बाद में पूरा ग्लास को पूरा वाइप आउट करके एम्प्टी करके ड्राई कर दीजिए, उसके बाद में आप फ्रेश वाटर डालिए। सो पोटेशियम पर मैंगनेट दो काम करता है। ठीक है, लीक टेस्ट भी हो जाएगा आपका और डिसइन्फेक्शन भी हो जाएगा। तो ये मेरा ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग टैंक था, दूसरे मच्छी थे इसमें, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन आप नए टैंक में भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं।
अभी पानी पूरा भर गया है, तो नेक्स्ट चीज़ जो हमको देखना है वो है फिल्ट्रेशन। ये ऑलरेडी जैसे मैंने बोला ये मेरा एक पुराना टैंक है, तो ये जो फिल्टर इसमें लगा है वो है जो ग्लास माउंट वाला स्पॉन्ज फिल्टर। इसका स्पॉन्ज जो है ये लाइट ग्रीन और लाइट ब्लू कलर है, इसमें मीडिया भी आता है। इसके ऊपर मैंने सेपरेटली एक वीडियो भी बनाया है, उसका मैं लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा और उसका एक थंबनेल आएगा अभी स्क्रीन पे। तो रेगुलरली जो स्पॉन्ज फिल्टर हमको मिलते हैं वो है ये टाइप का, जो पूरे ब्लैक कलर में रहते हैं। और ब्रीडिंग में हम ये क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि डिस्कस बेबीज जब बच्चे जो हैच हो जाते हैं तो वो डार्कर कलर्स के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आपने बहुत सारे, मैंने भी ऐसा वीडियो बनाया ब्रीडिंग में, तो जहाँ पे जब बेबीज हैच हो रहे हैं तो हम फिल्टर को निकाल के सिर्फ एयरस्टोन रखते हैं। तो ऐसे फिल्टर्स में वो करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये लाइट कलर है, पूरा लाइट ब्लू है, आपको दिख रहा है इधर पे लाइट ब्लू कलर है, और इसका स्पॉन्ज भी जो है लाइट ग्रीन है। तो इसके ऊपर सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया, तो ये जो है हमको फुल टाइम हम इसमें टैंक में रख सकते हैं। तो ये आइडियली यूज़ नहीं करेंगे, ये फिर भी थोड़ा बेटर है, ठीक है। अगला चीज़ जो है हमको जो चाहिए वो है थर्मामीटर। ये थर्मामीटर सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर एक फिश टैंक में, क्योंकि टेम्परेचर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे हॉबी में। तो मैं बैंगलोर से हूँ तो बहुत ठंड है, अभी विंटर है तो हीटर का ज़रूरत है, तो मैं हीटर डालने वाला हूँ। ये 100 वाट्स का हीटर है, तो लेकिन उस सब हीटर डालने का है कि नहीं उसको पता चलने के लिए हमको एक थर्मामीटर का सख्त ज़रूरत है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक थर्मामीटर चाहिए। तो थर्मामीटर और हीटर डिपेंडिंग आपका लोकेशन के ऊपर। पहले जो आपने देखा वो था एक ब्रीडिंग पैर जो हमने बनाया था, और उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपका थंबनेल आपने देखा होगा, और इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। ये जो है एक टेराकोटा टेराकोटा का ब्रीडिंग कॉर्न, ये रेडीली अवेलेबल है। तो अगर आपको ये चीज़ आपको पसंद है तो इसका डिटेल्स, इसका खरीदने का डिटेल्स भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो एक 20-25 दिन के बाद, साइकिलिंग के बाद और स्टेबिलिटी सब डालने के बाद, जब टैंक पूरा साइकिल हो गया, हमने हमारा ब्रीडिंग पैर इसमें ऐड कर दिया। ये अभी भी सेटल हो रहे हैं, थोड़ा डर के हैं बिकॉज नया टैंक है और सब नया है, तो एनीवे सेटल हो जाएंगे, खाना सब खा रहे आजकल, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो जैसे मैंने इंट्रो में भी बोला था, वाटर पैरामीटर्स जितना हम हो सके तो हार्डनेस उसको हम कम करेंगे तो अच्छा है ब्रीडिंग के लिए। तो बिलो 80 नहीं तो 100 से बिलो ppm का TDS अगर हम रखेंगे तो वो अच्छा है ब्रीडिंग के लिए। तो हाँ, तो ये था हमारा सेटअप का वीडियो। तो वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए एंड डेफिनेटली आपका कमेंट्स छोड़िए। तो आपको क्या कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, अच्छा नहीं भी लगा फिर भी कमेंट कीजिए, कमेंट तो करता बनता है भाई, तो करो कमेंट कीजिए एंड तभी हमको एक एक आइडिया मिलेगा कुछ नया सोचने के लिए। कुछ अगर हमारा सोच दूसरी तरफ में जा रहा है तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको कमेंट सबसे सबसे जरूरी है, ठीक है। तो डेफिनेटली सी यू
जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। बट अगेन कोरोना कहीं गया नहीं है अभी तक है, तो डेफिनेटली वॉश हैंड्स, हाथ को बराबर धोइए, मास्क हमेशा पहनिए और जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। और या सो स्टे सेफ और या अगले वीडियो आने तक, बाय।